वन प्लस बर्ड्स आ गए हैं स्टूडियो में। वन प्लस के पहले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, तो अब फटाफट से बॉक्स को खोलते हैं, निकालते हैं अपने ईयरबड्स को बाहर। पैकेजिंग बहुत ही नॉर्मल सी है, कुछ भी खास यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आगे डिज़ाइन मिल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं यूएस में हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलता, वाइट एंड ग्रे ऑप्शन ही है हमारे पास, तो इसलिए मैंने वाइट ऑर्डर किया है। इसके अलावा ग्रे भी आपको मिल जाएगा। जो ब्लू कलर है वो आपको मिलेगा इंडिया एंड यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में आपको वाइट एंड ग्रे ही मिलेगा। और अब बॉक्स को खोलते हैं, निकालते हैं ईयरबड्स को बाहर। तो ऊपर ही हैं हमारे ईयरबड्स। ईयरबड्स के अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो कुछ कुछ ये पिक्सल बर्ड्स जैसा डिजाइन दिख रहा है मुझे, केस की अगर मैं बात कर रहा हूं। ईयरबड्स अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, आगे एक एलईडी लाइट भी दिख रही है, तो इसको अच्छे से देखते हैं, पहले रख देते हैं साइड में। बॉक्स का कंटेंट हम लोग पहले चेक करते हैं, और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा एंजॉय योर न्यू बर्ड्स, तो वो तो हम करने वाले ही हैं। सेट योर म्यूजिक फ्री रेड कलर में है इनके बॉक्स, जो कि वन प्लस के तड़कीले भड़कीले कलर होते हैं। चार्जिंग केबल यूएसबी ए टू यूएसबी सी, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, तो इन सब चीज़ों की तो अब हमें ज़रूरत है नहीं। इसको रखते हैं साइड में और रैप निकालते हैं ईयरबड्स के ऊपर से। एंड यहाँ पे हैं हमारे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स वन प्लस के। केस की अगर मैं बात करूँ तो पीछे से अगर दिखाऊँ तो आप देख ही सकते हो इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। एग्जैक्ट ये लग रहा है एयरपॉड्स की तरह, जो हिंज भी है कलर भी एग्जैक्ट सेम है। अब चलो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो मिली है ये वाले ईयरबड्स को एयरपॉड्स से। पीछे आपको रीसेट बटन दिख जाएगा या फिर पेयरिंग बटन हमें मिलता है एयरपॉड्स में। और नीचे अब आ जाएं तो यहाँ पे है यूएसबी सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। और अब ईयरबड्स देखते हैं अपने, खोलते हैं केस को। इस एंगल से जब मैं देख रहा हूं तो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। ऐसा कोई भी डिजाइन वाला ईयरबड मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, तो निकालता हूं बाहर। और मैग्नेटिक केस है ये, तो मैग्नेट्स का फायदा क्या होता है कि बाहर नहीं गिरते हैं। अगर आप बाहर जैसे मान लीजिए बस वगैरह में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इसको अगर हिलाते भी हो तो निकलेंगे नहीं। मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और अब ईयरबड्स देख लेते हैं अच्छे से। अब अगर मैं ईयरबड की बात करूं इस एंगल से, आप सच्ची बताओ आपको लग रहे हैं एयरपॉड से इंस्पायर्ड या नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कॉपी मारी है, और कॉपी तो है यार, ये चीज देखो। और फ्रंट जो ये वाला साइड है एग्जैक्ट एयरपॉड्स लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए पीछे दे दिया। और जो टैप इन्होंने दिया है टच कंट्रोल के लिए, ये काफ़ी इनोवेटिव मुझे लग रहा है। पता नहीं कितने अच्छे से काम करेगा, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं पेयर करूंगा, बट अभी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो स्टेम है काफ़ी ज़्यादा थिक है, यूजुअली पतला होता है ये जो चीज़ है, बट यहाँ पर जो स्टेम है काफ़ी थिक है। और माइक्स कुछ मुझे दिख रहे हैं नीचे की साइड भी, एक ये रहा, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है आपके ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का, जो कि मिलते हैं वन प्लस की तरफ से। और इसका जो इंडिया में प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करने वाला है। और म्यूजिक परफॉर्मेंस सबसे मेन फैक्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन आपको नहीं मिलती है, ना ही यहाँ पे मिलेगी वायरलेस चार्जिंग। तो अब इनको करते हैं पेयर। मेरे पास वन प्लस का तो कोई भी फोन नहीं है, पहले मैं आईफोन के साथ ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा एलजी के साथ, जो कि एक एंड्रॉयड फोन है। अब यहाँ पे पेयर करने के लिए ओपन करूँ, और यहाँ पे मुझे जो पीछे बटन है इसको दबा के रखना है, तो आ गया है वन प्लस बर्ड्स। पेयर करता हूँ और पेयर हो गए हैं हमारे वन प्लस के बर्ड्स। अब सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ तो ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है अगर मैं आईफोन की बात करूँ। अब एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। अब एंड्रॉयड में पेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो आपको बस सिंपली इस तरीके से ओपन करना है, प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कनेक्ट पे क्लिक करना है, ईयरबड्स जो है वो पेयर हो जाएंगे आपके फ़ोन के साथ। बट मेरे पास एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मुझे जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है ब्लूटूथ के अंदर, और यहाँ पे अब बस मुझे ओपन करना है। और ये जो बैक में बटन है इसको दबा कर रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ पे अब आ जाना चाहिए वन प्लस बर्ड्स, तो वन प्लस बर्ड्स शो हो रहा है, तो पेयरिंग हो गई है स्टार्ट। पेयर वाला ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि आप करना चाहते हो या नहीं, तो मुझे क्लिक करना है पेयर पे। जो ईयरबड्स हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ज़्यादा आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप वन प्लस का डिवाइस यूज़ करते हो तो ये जो टच कंट्रोल्स हैं आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से। उसके अलावा कोई भी फ़ोन अगर आपके पास है तो कोई भी चीज़ आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो, ये एक लिमिटेशन है जो आपको मिलेगी वन प्लस बर्ड्स के साथ। अब टेस्ट करता हूँ म्यूज़िक क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, और कुछ देर के बाद कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। तो अब काफ़ी देर हो गई है टेस्ट करते हुए, बट एक चीज़ जो मैंने नहीं सोची थी वो ये वाले ईयरबड्स के साथ हुई है। अगर अभी तक आपने मेरी एयरपॉड्स 1 या 2 वाली वीडियो नहीं देखी तो शायद आपको ना पता हो, बट एयरपॉड्स कभी भी मेरे कान में नहीं आए, और ये वाले जो बर्ड्स हैं ये भी मेरे कान में फिट नहीं आते। अगर एक बार मैं आपको फिट टेस्ट दिखाऊं, मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे एयरपॉड्स वाली वीडियो के बाद कि भाई तू कान ही चेंज करवा ले,
तो बट मुझे टाइम नहीं लगा ऑपरेशन करवाने का, तो अगर अब मैं इनको लगाऊं तो ये है, ओह शिट, ये गिरते बहुत जल्दी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन ईयर वाले ईयरबड्स नहीं मिलते हैं, ये एयरपॉड्स वाला डिज़ाइन है, तो ये मेरे कानों में तो फिट नहीं आता। और मेरे जैसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनमें, अगर मैं फेमस यूट्यूबर्स की बात करूं तो MKBHD टॉप पे है, उसके कानों में भी ये वाले जो ईयरबड्स हैं वो कभी फिट नहीं आए। तो अगर मैं इनको करूं तो साथ ही निकल जाते हैं। एक बार अगर फिर से करके दिखाऊं तो जो ईयरबड्स हैं ये मेरे कान में फिट नहीं आते हैं, तो इसलिए जो पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस है म्यूज़िक का वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो बाहर का साउंड है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुन रहा था। ओवरऑल अगर मैं म्यूज़िक क्वालिटी की बात करूँ तो डिसेंट म्यूज़िक क्वालिटी है, बट जो लोग बेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये वाले ईयरबड्स बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है कि आप इक्वलाइजर सेट कर सको, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड ऐप तो कोई मिलती नहीं है। और अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो आईफोन में तो आप सिर्फ कनेक्ट या डिसकनेक्ट ही कर सकते हो, इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता ब्लूटूथ में। अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो कुछ सेटिंग्स मिलती है, बट कोई भी इक्वलाइजर नहीं है, तो बेस को आप बढ़ा नहीं सकते हो, जितनी है वो उतनी ही रहेगी। और यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी का एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सील आपको नहीं मिलती है इनके डिजाइन की वजह से। अगर आपको एक ऐसे ईयरबड्स चाहिए जहाँ पे बेस बहुत ज्यादा है, म्यूजिक बहुत अच्छा आपको लगे, तो आपको लेने चाहिए एयरपॉड्स प्रो टाइप के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एयरपॉड्स प्रो लो, बट कोई भी ऐसे जो इन ईयर हो जहाँ पे प्रॉपर आपको सील मिले। अब आ जाते हैं कॉल क्वालिटी पे। कॉल क्वालिटी अच्छी है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो इसके माइक्स है नॉइस कैंसिलेशन वाले वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो जिससे आप बात कर रहे हो उनको आपके आसपास में जो कोई चीज हो रही है वो ज्यादा सुनेगी, आपकी आवाज कम। म्यूजिक और कॉल के बाद अब बात करते हैं इनके वेट की। एक ईयरबड का जो वेट है वो है 4.5 ग्राम्स, और ये जो केस है इसका वेट है 37 ग्राम्स। टोटल अगर मैं बात करूं तो 46 ग्राम का ये कंप्लीट पैकेज है, जो आपके पॉकेट में बहुत ही इजिली फिट आ जाता है, बहुत ही छोटा सा है ये केस। अब कनेक्टिविटी पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.0, जिसकी वजह से जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा आपको मिलता है। अब बात करते हैं बैटरी की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बैटरी लाइफ आपको मिलेगी 7 आवर्स की, और टोटल केस के साथ अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो मिलेगी 30 घंटे की, और फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाएगी। 10 मिनट चार्ज करने के बाद 2 घंटे का लिसनिंग टाइम आपको मिलेगा ये वाले बर्ड्स में। टोटल अगर मैं केस के साथ बात करूं तो 10 मिनट में 10 घंटे का बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी ओवरऑल, बट अगर हम म्यूजिक की बात करें तो 2 घंटे ही सुन सकते हो 10 मिनट चार्ज करने के बाद। और फुल चार्ज की अगर मैं बात करूं, फुल चार्ज होगा 1 आवर 20 मिनट्स में। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अनॉइंग लगी इसके बारे में, इनको निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर मैं इस तरीके से निकालता हूँ जैसे एयरपॉड्स प्रो को निकालते हैं तब भी ये निकलते नहीं है, और अगर मैं इस तरीके से खींच रहा हूँ तो ये जो तो यहाँ पे जो इसके पास वाला है वहाँ पे मेरी उंगली फंस रही है, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुझे अभी टफ लग रहा है। अगर आप में से भी कोई ये चीज़ फील कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, या सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जिसको निकालने में ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि यूजुअली जो ऐसे ईयरबड्स होते हैं यहाँ पे आप उंगली रखो इस तरीके से निकाल लो, बट यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से निकालना पड़ता है और यहाँ पे बार बार स्लिप होता है। तो इसको अभी रख देता हूँ मैं साइड पे। अब बैटरी की मैं बात कर रहा था बट थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था। तो अगर आपको चार्ज करना है तो USB-C पोर्ट आपको मिलता है, बट यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। बैटरी के बाद अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, जो होता है प्राइस। प्राइस है ये वाले ईयरबड्स का 5,000 रुपए इंडिया में। अगर मैं US की बात करूं तो $79 के आपको मिल जाएंगे, टैक्स के साथ मुझे पड़े हैं $87 के। और 5,000 में एक डिसेंट पेयर है बड्स का, बट सिर्फ वन प्लस यूजर्स के लिए, क्योंकि आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर आप वन प्लस यूजर हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपके पास वन प्लस नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए। और ये थी मेरी वीडियो वन प्लस बड्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताओ कॉमेंट्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।